नमस्कार, मैं बिन्नी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को आलू परवल का दम बना करके दिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए परवल भी धो कर के रख लिए हैं, आलू धो कर के रख लिए हैं जिसमें, और उसके लिए यहाँ फोरन के लिए ये सब तेजपात, मिर्ची और पंच फोड़ना है, यानी सब मिला करके पाँच फोड़ना बनता है। तो वह प्याज और लहसुन। तो सबसे पहले हम आलू को इसमें बॉयल कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लिए हैं, तो आलू को हम चढ़ाते हैं चूल्हा पर और जला लेते हैं। इसको सेट कर लेंगे, इसको एक दो सीटी लगा लेंगे। जब तक आलू बॉयल हो रहा है तब तक हम परवल को कटिंग करेंगे और प्याज वगैरह को कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले परवल के आगे पीछे दोनों तरफ से कटिंग करके निकाल लेंगे और उस परवल को दो दो फांक कर लेंगे। यहाँ आलू बॉयल हो गया है तो आलू को हम कुकर को हटाएंगे और उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। और जब तक प्याज कटिंग होगा तब तक हम कढ़ाई पर चढ़ा करके परवल को पहले भूनेंगे हम। तो पहले कढ़ाई चढ़ाया जाएगा, तेल डाल करके गर्म होने के बाद परवल उसमें हम डालेंगे, क्योंकि पहले परवल को भुना जाएगा उसके बाद आलू के काम पड़ेगा। तो तब तक प्याज कटिंग हो जाएगा, लहसुन वगैरह जो भी है उसको तैयार कर लेंगे जब तक परवल भुनाएगा। तो फिर आप लोग देखते रहें। तो चूल्हा को हम एकदम स्लो कर देंगे, तब परवल को भूनेंगे। परवल में थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे जल्दी से पके, और चूल्हा को कम कर देंगे। Thank you.
तो अब परवल पक गया है, अब इसी तेल में हम आलू को भी डाल देंगे, तो साथ में परवल और आलू एक साथ में हो जाएगा, क्योंकि आलू को ज़्यादा भूनना ज़रूरत नहीं रहता है। थोड़ा देर 2 मिनट 3 मिनट उसको भूनेंगे और उसके बाद इसको उतार के निकाल करके फिर थोड़ा सा तेल डालेंगे, फ़ौरन डालेंगे, उसका इसका मसाला तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा नमक ऊपर से फिर से डालेंगे, क्योंकि आलू डाले हैं तो उसमें नमक थोड़ा कम हो जाएगा। ऊपर से जो हल्का नमक डाला जाता है तो आलू के अंदर पहुंच जाता है बढ़िया से, और तब उसके बाद मसाला में जो नमक डाला जाता है वो अलग से मसाला के लिए डाला जाता है। तो आलू को हम फूल आँच पर भूनेंगे, पहले से कम किए थे परवल भूनने के लिए, अभी आलू डाले हैं तो उसके बाद से उसको तेज़ कर दिए हैं। अब फिर से तेल थोड़ा डाल लिए हैं, अब जितना फ़ौरन है वो सब डालेंगे, तेजपात मिर्ची जो है उसको डालेंगे और पंचफोरना जो है उसको भी डालेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, उसके बाद में लहसुन डालेंगे, लहसुन को थोड़ा सा लाल होने देंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे, प्याज सुनहरा होने तक भूनेंगे, उसके बाद टमाटर को हम डाल लेंगे और उसके बाद नमक डालेंगे, और नमक डाल करके थोड़ा देर उसको ढक देंगे, ढक के रखेंगे, क्योंकि जो प्याज और टमाटर है उसको गलाना है, गलने के बाद तो फिर सब मसाला ऐड करेंगे। तो फिर आप लोग देखते रहें, चूल्हा को थोड़ा देर के लिए कम कर देंगे, जब तक टमाटर गल रहा है तब तक के लिए चूल्हा कम कर देंगे, तो इतने देर में टमाटर और प्याज दोनों गल जाएगा, फिर सभी मसाला इसमें ऐड करेंगे। यहाँ है धनिया, जीरा, काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, और यहाँ पे है लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, और ये है कसूरी मेथी है 1 चम्मच, और धनिया पत्ता। तो अब हम मसाला इसमें ऐड करेंगे। इसमें सब गल गया है, प्याज और टमाटर गल गया है, तब इसमें हम केवल गरम मसाला और धनिया पत्ता छोड़ करके सब मसाला को ऐड करेंगे। ये है कसूरी मेथी भी हम डाल देंगे, अब इसको हम भूनेंगे, पूरा मसाला जितना देर तक भुना है उतना देर भूनेंगे। मसाला भुना गया है, फिर सब्जी डालेंगे और इसमें पानी डालेंगे। गरम मसाला इसमें डाल देंगे, उबाल आने तक इसको ढक करके पकाएंगे। सब्जी तैयार हो गया है बढ़िया, अब इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे। चूल्हा को बंद कर देंगे।
अब आलू परवल का दम तैयार हो गया है दोस्तों, अभी आप लोग को सर्व करके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा आलू परवल का दम, अब आप लोग बताएं कि कैसा बना है मेरा आलू परवल का दम। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमें लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू।